नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की खबर साहिबगंज से। जम्मू कश्मीर में तैनात 118वीं सीआरपीएफ बटालियन के जवान शहीद कुलदीप उराव के परिजनों से सीआरपीएफ डीआईजी विशन स्वरूप शर्मा ने मुलाकात की। जी हां, ज्ञात हो कि शहीद कुलदीप उराव 2 जुलाई 2020 को रात 9 बजे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में शामिल थे। इसी दौरान मालबाग एरिया के हजरत बल के पास आतंकी हमले में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। इस लड़ाई में शहीद कुलदीप उराव ने कई आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतारा था। इस घटना के बाद सीआरपीएफ डीआईजी वीएस शर्मा ने शहीद के घर जाकर उनके पिता घनश्याम उराव, उनकी पत्नी वंदना उराव को 35 लाख रुपए, उनके पिता को 5 लाख रुपए कुलदीप उराव जी और वो तो क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है सीआरपीएफ की तरफ से, क्या कुछ दिया जा सकता है? हाँ, देखिए, सीआरपीएफ और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन में शहीद होते हैं या किसी भी प्रकार से शहीद होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा है वो मैं इसमें एक लिस्ट दी हुई है, जिसमें एक्स ग्रेसिया होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्स ग्रेसिया होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एक्स ग्रेसिया होता है। हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, उसके ऐसी डिमांड आई नहीं है, केवल बच्चे का प्रोविजन रखना है कि जब तक वो 18 वर्ष की उम्र होती है तब तक उनको, तो वो उनकी तरफ से जो लिखित में आया है उसके अनुसार इनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी जो सर आप आए हैं, किस तरह का इनको लाभ देने के लिए आए हैं ये बताइए। देखिए, ये हमारे अपने डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ी स्कीम है, जिसमें सीनियर अधिकारी एनओकेज के घर में जा करके, जो हमारे शहीद परिवार हैं उनके घर में जा करके, उनकी किसी भी प्रकार की समस्या है वो हम वार्षिक रूप में आकर के जानकारी लेते हैं कि इनको कितना